हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जो कि है आपका पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ एक गुड पब्लिक स्पीकिंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होने चाहिए। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और जो भी आपके सजेशंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट गाइस। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। पब्लिक स्पीकिंग को अगर हम तोड़े तो समझ में आता है कि पब्लिक स्पीकिंग मीन्स वैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, दिस इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स क्या है कि जब अपने आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन, पॉइंट्स को आप डिलीवर करते हैं पब्लिक को, ताकि आप पब्लिक को उन पॉइंट्स के या उन आइडियाज के थ्रू कन्वे कर ले जाएं, मतलब अपनी बात को कन्वे कर ले जाएं, उन पे एक प्रभाव डाल पाएं, उनको इन्फ्लुएंस कर ले जाएं, उनको इंकरेज कर ले जाएं, मोटिवेट कर ले जाएं, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक स्पीकिंग है। हर स्पीकर के अलग अलग पॉइंट होते हैं अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए। लाइक पॉलिटिशियन, वो अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं ताकि वो जनता को लुभा सकें कि उनको वोट मिल जाए, राइट। कोई एजुकेटर, कोई आपका टीचर आपको एक स्पीच दे रहा है मोटिवेटिंग, ताकि वो आपको मोटिवेट कर पाए अच्छी पढ़ाई के लिए। तो हर का अलग अलग एक टारगेट होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। अब हम मूव करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक गुड पब्लिक स्पीकिंग के, तो उसको भी हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ गाइस, स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या है कि जो भी आप स्पीच दे रहे हैं उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बात सामने वाले को कुछ और समझ में आ रही है, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी, वहाँ पे स्पष्टता नहीं होगी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो सामने वाली बात आपको समझ ही नहीं आएगी, ना आपकी बात वो समझ पाएंगे, है ना। जो फीडबैक आया वो आपको नहीं आएगा समझ में। तो ये क्या है, क्लैरिटी। इसके साथ ही साथ आपकी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो पिच है, साउंड, नॉइस, ये सारी चीज़ें, नॉइस तो होनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये आपकी क्लैरिटी को प्रमोट करती है। आप अगर लड़खड़ा गए तो वहाँ पे भी चीज़ें यू नो चेंज जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई फिजिकल बैरियर है, कोई बैरियर भी है, तो भी आपकी क्लैरिटी वो ख़राब करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पॉइंट आ जाएंगे आपके क्लैरिटी में, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट हियर, दैट इज मेक योर स्पीच ब्रीफ। मेक योर स्पीच ब्रीफ मतलब क्या, कि जो भी आप बात डिलीवर कर रहे हैं वो ब्रीफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर करके वही बात बोले जा रहे हैं, एक पूरी स्पीच एक घंटे में है और इसे एक घंटे में आप वही 10 मिनट का घंटे रिपीट मोड में बोले जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपकी ब्रीफ नहीं होगी, ऑडियंस बोर हो जाएगी। ऑडियंस का रिटेंशन अगर आप एवरेज देखें तो 20 से 30 मिनट तक एवरेज अच्छा चलता है, तो उसके बाद वो बोर होकर आपका कंटेंट जो है वो स्विच कर देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि जो स्पीच है वो ब्रीफ होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, राइट। सो इसको आप याद रखेंगे। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज मेक योर स्पीच इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, कोई भी स्पीच है उसको इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, है ना, या फिर आप कुछ उसमें जोक्स क्रैक कर दें, या एनेक्डोटल। एनेक्डोटल मतलब होता है कि कोई घटना जो से रिलेटेड है उसको आप डिलीवर कर दें, तो वो क्या होगी, आपके स्पीच को क्या बना देगी, इंटरेस्टिंग बना देगी। आपके ऑडियंस जो है वो कंटेंट को और देर तक बैठ के देख पाएगी, वरना उनको लगेगा कि यह बोरिंग है, क्या ये तो बुक में भी है, ये तो है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके स्पीच को क्या कर देती है, ख़राब कर देती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको अपनी स्पीच को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तभी आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, राइट। सो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है, दैट इज ऑडियंस ओरिएंटेड। ऑडियंस ओरिएंटेड ऑफ कोर्स ये होना चाहिए कि जो आपकी स्पीच है वो आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपके ऑडियंस मतलब मान लीजिए कि 18 इयर्स तक के बच्चे हैं तो उन पे फोकस होनी चाहिए, उसके अबव है तो उनमें, ओल्ड एज के लोग हैं तो उनमें, तो ऑडियंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस कैसी है, जैसे कि सपोज करिए आप बच्चों को स्पीच दे रहे हैं, तो आपको अपनी स्पीच में बहुत सारे जोक्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज, कहानी, ये सब इन्वॉल्व करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चे इतना नहीं सुनेंगे आपकी मोटिवेशन, उनको नहीं समझ में आएगा, बड़ों के लिए वो चीज़ बदल जाती है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्पीच को क्या करना है, ऑडियंस ओरिएंटेड करना है, देखना है मेरी ऑडियंस कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी स्पीच को डिजाइन करना। मूविंग टू लास्ट पॉइंट हियर, दैट इज स्पीच शुड बी कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या है कि जो भी आप स्पीच दे रहे हैं वो सामने वाला उसको फील कर पाए, उसको इमेजिनेशन में ला पाए। अगर आपकी कोई बात कोई सामने वाला सुन के उसको फील कर पा रहा है, उसको इमेजिनेशन में ला पा रहा है,
या फिर अपनी चीज को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कुछ टूल्स दे दे रहे हैं लोगों को और उसके थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू, तो वो एक ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर ले जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ये एक गुड स्पीकिंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट्स। इससे पहले हमने इसकी मीनिंग भी डिस्कस कर ली है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।